बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. सेवेंथ को रिलीज हो रहा है, ऑन एयर आएगा हमारा शो, तो वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मस्ती हमने की शूटिंग के दौरान, वो आप लोगों को भी देखने का मौका मिले, हमारी मस्ती में शामिल होने का मौका मिले. बहुत ज़्यादा. और मैं चाहता हूँ कि जो अभी बरखा ने कहा कि जो केमिस्ट्री है और जो जो खुशी है और जो नयापन है, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वो कन्वे हो और जनता तक पहुँचे, जो भी लोग व्यूअर्स वेट भी कर रहे होंगे उन तक पहुँचे. और बस नहीं यार, यू नो आई टेल यू ऑनेस्टली, बहुत ही प्राउड बात है कि ये शो का नाम गर्ल्स ऑन टॉप है. स्पेशली आप भी ये बात जानते हैं कि हमारे देश में क्या होता है लड़कियों को लेके, तो अगर मुद्दा ही बेसिक ये है जो लड़कियों की बढ़ोतरी या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट बढ़ोतरी, बढ़ोतरी ये मेरे हिंदी ट्यूशन टीचर हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी, आई एम रियली वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इस चीज़ का पार्ट. उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, बहुत गर्व है मुझे इस बात का. और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता चलेगा गर्ल्स ऑन टॉप में लड़कों का क्या पार्ट है, कितनी इंपॉर्टेंस है, वो तभी मालूम पड़ेगा जब आप देखोगे. हाय बरखा, हाय युवराज, दैट वाज इट, इट वाज एग्जैक्टली दैट. हमने बात नहीं की, कुछ नहीं, वे वी बैली स्पोक टू ईच अदर और कुछ दिस थिंग. फिर एक बार हमने पूरी रात सीन एक लाइक शूट किया, एंड युवराज हेट्स, उसको नाइट शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल. और ये सीन था स्विमिंग पूल में, तो जान ठंड, एकदम ठंड, इन मडालन में शूट कर रहे थे और रात के, मतलब पूरी रात शूट किया, तो ऐसे ऐसे हमारी टुकड़ी बन रही थी. सो आई थिंक दैट्स हाउ हमारी एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप अच्छे से बढ़ी, बिकॉज क्योंकि टेक्स के बीच में मुझे बता रही थी हाउ टू बी जस्ट रिलैक्स, इट्स फाइन. तो मतलब कि अगर उस समय मुझे वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो शायद वो सीन भी मुझसे ख़त्म नहीं होता. रात थी, नींद आ रही थी, ठंड लग रही थी, मन नहीं कर उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए सीन में ध्यान ही नहीं जा रहा था. आई थिंक द गुड थिंग एटलीस्ट लाइक विच आई नो बिटवीन द टू ऑफ अस इज कि हम दोनों में अगर वो सोचते हैं कि एक सीन के दौरान इफ़ आई कैन डू समथिंग बेटर, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा बेटर तरीके से बोल सकूँ, तो ये मुझे बोल देते हैं सीधा. तो ऐसे मतलब देयर इज नो ईगो बिटवीन अस कि यू नो इसने मुझे कैसे बोल दिया, एक्टिंग करने कैसे होता है. सो इट्स नॉट लाइक दैट, वी ग्रो फ्रॉम ईच अदर. हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि यू नो यू कैन डू दिस बेटर, यू कैन डू दैट बेटर. तो सी, मैंने आमतौर पर कुछ लोगों से ऐसा मिला हूँ कि जो सोच समझ के आंसर देना, जो ऑफ सेट बहुत ज़्यादा लाइवली और हैप्पी, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, बट जब वो काम करने पे आते हैं तो एकदम से घबरा से जाते हैं, या फिर वो चीज़ उभर के नहीं आती जो दिखनी चाहिए, वो हैप्पीनेस, वो मतलब वो जो मैं कैसे बताऊँ यार, वो लाइवली द लाइफ या सो बरखा उन लोगों में से, जैसी वो ऑफ सेट है खुश जैसे और फुल ऑफ लाइफ, वो चीज़ वो सीन्स में और परफॉर्म करते हुए एग्जैक्टली वो चीज़ लेके आ जाती है. सो मैं मतलब कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि अभी ये हरकत वहाँ पे कर रही थी, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रही है, और इतना भी चेंज नहीं है कि कैमरा सामने है. आमतौर पे लोग कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, बट वो जब सेम चीज़ कैमरे के पीछे वहाँ बस्ती कर रही थी, किसी से बातचीत कर रही थी, सेम चीज़ वो यहाँ पे आके कर रही है, दैट्स इनक्रेडिबल. एंड दैट थिंग आई नोटिस इन हर कि वो सेम लाइफ, सेम हैप्पीनेस, सेम एनर्जी सीन में लेके आती है, जो कि ऑन द सेट भी होती है. और शूट कितनी भी लंबी क्यों ना खिंच जाए, उसको नींद भी आ रही होगी, उसने शायद लंबा गैप भी हो गया होगा लंच और डिनर के बीच में, नहीं भी कुछ खाया होगा, फिर भी शी इज़ हैप्पी, शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी, यू वॉन्ट्स फील दैट कि शी इज़ टायर्ड, शी इज़ लो, और शी सेइंग शी इज़ क्रैंकी, शी वॉन्ट्स टू गो होम, शी इज़ हैप्पी अबाउट एवरीथिंग, इवन इफ शी इज़ फीलिंग कोल्ड, डूड आई एम फीलिंग कोल्ड, शी इज़ स्माइलिंग एंड शी इज़ सेइंग दैट, या सी आई एम अ गुड ऑब्जर्वर, आई एम अ गुड ऑब्जर्वर. पर मैंने भी कुछ चीज़ एक्चुअली ऑब्जर्व की है युवराज के बारे में. युवराज का कैरेक्टर इज़ दैट ऑफ अ स्टार बिकमिंग अ सुपर स्टार. तो जैसे एक ठहराव होता है यू नो इन अ सुपर स्टार, जो एक अलग से मतलब उनकी पर्सनालिटी होती है कि व्हेन अ सुपर स्टार वॉक्स इनटू द रूम, आपको लगता है लाइक अ सुपर स्टार हैज़ वॉक्ड इनटू द रूम. एंड वो, एंड दैट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. जब एक्टिंग करते हैं तो अगर या तो आपने बहुत चिल्ला लिया या बहुत रो लिया, वो ईजी होता है एक्टिंग करना, बट कम शब्दों में ठहराव से वो ही इमोशन बाहर लाना, और यू नो वो ही जो वो पॉइज रहता है एक सेलिब्रिटी का, वो बाहर लाना इज़ आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट. एक वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक ड्रंक एक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. सो व्हाट ही इज़ डूइंग, युवराज जो कर रहे हैं, वैसे लाइक यू सीइंग हिम नाउ, इज़ वेरी सिंपल गाय, ऐसी चुपचाप, कभी तुम भी नहीं बोलेंगे, यू नो ही इज़ टॉकिंग टू यू नो मैटर हाउ गुड फ्रेंड्स, ही विल ऑलवेज से आप, एंड लाइक ही इज़ अ वेरी स्वीट बॉय. बट उनका जब वो व्हेन ही कम्स एज अज़हर खान,
ही बिकम्स, वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू लाइक ओ कि यू नो लाइक ऐसे लगता है कभी कभी कि उनसे लाइक यू नो हिचकिचाहट से की बात करे हो लाइक सो इट्स लाइक दैट कि वो एकदम ऐसे कैरेक्टर को एकदम लाइक माइन्यूटली एकदम लास्ट थ्रेड ऑफ द कैरेक्टर वो पकड़ लेते हैं. सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई नीड टू लर्न फ्रॉम हिम टू. हमारी सिमिलैरिटी, एक जो हमारी बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है युवराज और मेरे बीच में, हम दोनों को अपने बाल से खेलने का बहुत शौक है. मतलब हर टेक के पहले ना हम दोनों एक दूसरे के बाल ठीक कर रहे होंगे, ये तुम्हारा इधर है, ये हमारा इधर है. तो हम दोनों आई थिंक या दैट्स आर बॉन्डिंग थिंग की ओवर हेयर, हम दोनों को बाल ठीक करना बहुत पसंद है. I'll say कि गाइज प्लीज डू वॉच दिस सीरीज गर्ल्स ऑन टॉप, एंड बहुत कुछ नया है इसमें. और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा शो या फिर बरखा का शो है, मैं कह रहा हूँ जेन्युइनली इसमें बहुत कुछ नया है. इमोशंस, रिलेशंस का जो जो कनेक्शन है और जो स्टोरी टेलिंग है, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट एंड यू विल रिलेट टू इट. ईच एंड एवरी किरदार एक जेन्युइन किसी इंसान से इंस्पायर्ड है. आप अपने आप को देखेंगे, किसी न किसी में तो पक्का अपने आप को देखेंगे, और बाकी बरखा आपको बताएगी पक्का. एज युवराज ने एक्चुअली पहले बताया था, इट्स वेरी गुड कि क्योंकि आजकल आप देखोगे ना मीडिया में तो गर्ल पावर उभर के आ रहा है, यू नो, या तो आप मूवीज़ देखो. एंड दिस गर्ल्स ऑन टॉप एक ऐसा शो है जो ये एक लाइक गर्ल पावर का जो फील्ड है टेलीविजन में उतना उन्होंने वो नहीं किया है. जनरली इट्स ऑल अबाउट द हीरो एंड दिस एंड दैट, एंड दिस इज़ अबाउट द गर्ल्स. सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि that's the thing, and I think being that's my point. I'm not comparing the show with any other show, but the point is ki kai shows mein aisa dikhate hain ki it's about a woman, it's in your face ki ek ladki aur aurat ki kahani hai. Isme aisa nahi hai, isme you will relate to it. It's not ki a story has been ek samne platter pe story kahani rakhi gayi hai, usme kuch nahi bataya gaya hai ki kya hai, aapko pata bhi nahi chalega. It will come out of it automatically. You will realize ki yeah, they genuinely want to convey a thought from a girl's perspective or from a woman's perspective in a male dominating field. Correct. So it's nothing in your face. Tumhare muh pe aisa koi kahani nahi aayegi ki ek aurat ki kahani hai, ek ladki ki kahani hai. This is a normal genuine story from any town. And you know, being a girl, aapke paas you must be having a boyfriend or somebody like. So obviously yaar ye age mein like it's not that it's only about the girls, because it's also about the guys. All three of us are paired opposite someone, aur unka ek bahut bada, see it's like a, it's not only it's about the girls, so it's like Friends, jaise Friends TV series tha, so that is about everyone, it's about the life of the youngsters, everyone together. So I think that's why, and the story is not predictable. Aap sochenge girls on top though it will be about the this thing, kahan kahani kaise mudegi aapko pata bhi nahi chalega. So please watch MTV Girls on Top. गर्ल्स ऑन टॉप मंडे टू फ्राइडे ठीक शाम 6:30 बजे देखना ना भूलिए.